अक्सर आप देखते होंगे अपने आसपास कई लोग जो है छाले की परेशानी से ग्रस्त रहते हैं, जिसके चलते वो खाना नहीं खा सकते, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है। वैसे तो ये माना जाता है कब्ज और पेट की गर्मी के कारण जो है मुंह में छाले हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो लोग पान मसाले का सेवन करते हैं उसके चलते भी मुँह में छाला हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो पर कि किस तरीके से यदि छाला हो जाए तो आप इन उपायों के माध्यम से उस छाले से निजात पा सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें कि जो भी सलाह आपको दी जाती है एक बार आप जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर लेवें। तो सबसे पहले सूखे पान के पत्ते का चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटना चाहिए, आपको इससे लाभ होगा। साथ ही नींबू के रस में शहद मिलाकर इसके कुल्ले करने से भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। साथ ही मिश्री को बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाकर छाले में लगाने से भी आराम मिलता है। दिन में 3-4 बार शुद्ध घी या मक्खन जो है घर में उपलब्ध रहता है उसको मुंह के छाले में लगाना चाहिए। अमरूद के ताजे पत्तों में कत्था मिलाकर पान की तरह चबाने से भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। पान में लगाने वाले कत्थे को मुंह के छाले में लगाने से जल्द लाभ होता है। साथ ही नारियल के तेल को पानी में मिलाकर उससे जो है गलगला करने से भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। छोटी अरहर को बहुत बारीक पीसकर छालों पर लगाने से मुंह तथा जीभ के छालों से छुटकारा मिलता है। इसको जो है 2-3 बार उपयोग करना चाहिए। दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। शहद में मुलेठी का चूर्ण मिलाकर इसका लेप मुंह के छालों पर करें और लार को मुंह से बाहर टपकने दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से आप घरेलू उपचार के माध्यम से अपने छाले को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी चीज़ को आप उपयोग करें डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लेवें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें। खबर भी सरोकार भी, हर कदम हर डगर हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष बात वही जो है सच सही और दमदार भी। गांव कस्बा शहर नगर रुक न पाए कोई खबर, असर भी असरदार भी, खबर भी सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम। मैं सच हूँ, मैं लल्लूराम हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, मैं लड़ता हूँ आपके लिए, मैं हर घर की आवाज हूँ, मैं दिन रात आपके साथ हूँ, मैं आपके अधिकारों की बात करता हूँ, मैं राजनेताओं से सीधे संवाद करता हूँ, मैं जनता के सवालों का जवाब ढूंढता हूँ, मैं सच हूँ, मैं लल्लूराम हूँ। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।